गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज माध्यम से इस संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते थे। हमने आज उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत जैसी योजना, इन सब से उनके इस मंत्र को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। पूज्य बापू को उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जीवन को आसान बनाने की बात की थी। हम आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इंडिया, भीम ऐप, डिजी लॉकर के जरिए देशवासियों का जीवन आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहा करते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं हुआ जा सकता, यानी हमें पहली अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना होगा, तब जाकर हम पूरे विश्व को मदद कर सकते हैं। इसी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आज भारत आगे बढ़ रहा है। बापू के सपनों का भारत नया भारत बन रहा है। बापू के सपनों का भारत जो स्वच्छ होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। बापू के सपनों का भारत जहां हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, फिट होगा। बापू के सपनों का भारत जहां हर मां, हर बच्चा पोषित होगा। बापू के सपनों का भारत जहां हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। बापू के सपनों का भारत जो भेदभाव से मुक्त, सद्भाव युक्त होगा। बापू के सपनों का भारत जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस आदर्श पर चलेगा।